गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे थे। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखना शुरू करेंगे। आज एक ट्रायल ले रहे हैं बोर्ड पे, देखते हैं कि कैसा लगता है आपका, बोर्ड पे क्लियरिटी क्या आता है, और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आज एग्जाम पेपर्स लास्ट हो जाएगा। अगर आज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये टाइप अलग टाइप का है एग्जाम पेपर्स में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू 2 3 बाई माइनस 2। प्रूफ जो करना है देख सकते हैं, a इनवर्स इज इक्वल टू a बाई 9, ऐसा कुछ शायद डाला होगा, आप अपने किताब में देख सकते हैं। और जो प्रूफ करना है वो यहाँ आ ही जाएगा, उसके लिए टेंशन ना लें। सबसे पहले बड़ी बात है कि a इनवर्स को आपको निकालना ही होगा। तो a इनवर्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या जाता है, ज्वाइंट ऑफ a बाई डिटरमिनेंट ऑफ। कहते हैं कि डिटरमिनेंट जिसका निकलता है उसे काम इनवर्स निकाल देते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और देखिएगा, ए इक्वल टू 2 3 5 माइनस 2। सबसे पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो 2 3 5 माइनस 2 इज इक्वल टू -4 और -15 इज इक्वल टू -19, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः इसका प्रतिलोम ज्ञात होगा, इंग्लिश मीडियम वाले वो ये भी लिख सकते हैं, हेंस इट्स इनवर्स ऑप्टेन, ठीक है। चलिए एडजॉइंट निकालने के लिए आप जानते हैं, बता चुके हैं कि जब दो रो दो कॉलम दिया हुआ है तो इन दोनों का स्थान परिवर्तन प्लेस चेंज और इन दोनों का साइन चेंज, तो कर दीजिए -2 -3 5 यही होगा ना। फिर से देखिए, इन दोनों का स्थान परिवर्तन, इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन कर दिए, फिर ज्वाइंट आपका निकल गया है। निकालना क्या है, ए इनवर्स, फिर ज्वाइंट आ चुका, डिटरमिनेंट आ चुका। हम लोग ए इनवर्स के लिए काम करेंगे, क्या है -2 -3 -5 2 -19। इन सब से आप माइनस कॉमन ले लें, क्या आएगा, जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो 2 3 5 और -2 आ जाएगा, माइनस से माइनस हो गए। गौर कीजिएगा, ये और ये सेम है, जैसे ही ये सेम होगा इसके बदले हम लोग ए लिखेंगे और ये बाई में क्या आ गया 19, कितना इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यही प्रूफ करना था, इनवर्स इज इक्वल टू ए बाई 19, यही प्रूफ करना था। देख सकते हैं, अगर फिर भी कभी दिक्कत हो तो आप इसको बैक करके देख सकते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछला क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 का फर्स्ट, यहाँ पे कुछ टाइप का क्वेश्चन है। अभी जो मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप का ही मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा सब में चेंजिंग रहता रहेगा, तो आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। ऐसे ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए बी का इनवर्स है, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, आपको प्रॉपर्टी में भी हम बताया है, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी बताया जाए प्रारंभिक संक्रिया में, यहाँ पे भी आसान होगा ए बी का इनवर्स निकालना, इसलिए होगा क्योंकि दो रो दो कॉलम है और दो रो दो कॉलम में आसान ही होता है। चलिए देखते हैं दोनों सोल्यूशन, सबसे पहले एन एच एस की अगर देखें तो एन एच एस में आपका ए बी है, तो पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, ठीक है, a into b क्या हो गया 3 1 4 0 4 0 2 5। सॉल्व करेंगे इसको,
चार माला है वो 3 × 12 प्लस 14 3 × 0 = 0 1 × 5 = 5 4 × 4 = 16 और ये 0 हो जाएगा ठीक है 4 × 0 = 0 0 × 5 = 0 तो ये आपका हो गया क्या आ गया ये ध्यान दीजिए एबी का इनवर्स निकालने के लिए जैसे क्या करेंगे इनवर्स जब भी निकालेंगे आपको एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट निकालना होता है तो हम लोग सबसे पहले डिटरमिनेंट इसका निकालने का प्रयास करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ एबी क्या होगा 14 5 16 0 सॉल्व करेंगे ये 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा -80 क्या आ गया -80 जो कि 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब इसका इनवर्स निकलेगा अब हम लोग यहां पर लिखेंगे LHS क्या था AB का इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ AB बाय डिटरमिनेंट ऑफ AB यही होता है एडजॉइंट निकालने का दोनों दो कॉलम के बीच कितना सिंपल तरीका है इन दोनों का स्थान परिवर्तन इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन कर दें 0 14 इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन -15 -16 डिटरमिनेंट ऑफ AB कितना आ गया -80 अभी आप यहां से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 1/8 माइनस को पहले से है वो माइनस फिर से एक बार कॉमन आपने ले लिया तो क्या बचेगा 0 5 16 और -14 यही बचेगा ना बाई कितना ये आपका क्या हो गया LHS चलिए ठीक है हम लोग एक बार फिर RHS की तरफ देखेंगे RHS में क्या कहता है B इनवर्स इनटू A इनवर्स सबसे पहले B इनवर्स निकालें B इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B बाय डिटरमिनेंट ऑफ B अगर डिटरमिनेंट ऑफ B के बारे में हम लोग चर्चा करें तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ B 5 होना चाहिए 20 होने वाला है B क्या हो जाएगा 0 तो जब हम लोग B का डिटरमिनेंट निकालेंगे 20 आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है जब 0 के इक्वल ये नहीं होगा इसका मतलब इसका इनवर्स निकलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 करेंगे और एडजॉइंट ऑफ बी बी का एडजॉइंट निकालेंगे इन दोनों का स्थान परिवर्तन और इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन तो एक बार फिर से लिख दीजिए क्या होने वाला है 5 4 0 अब देखिए यहाँ पे अगर साइन चेंज करेंगे तो सब नहीं होगा 0 का माइनस 0 लिखेंगे 0 तो 0 होता है 2 का क्या होगा माइनस ये आपका बी इनवर्स हो गया फिर हम लोग क्या करेंगे ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करें इसका सारणी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 4 तो 0 माइनस मतलब 0 माइनस 4 या 0 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना माइनस 4 जो कि 0 के बराबर नहीं है अतः इसका इनवर्स निकलेगा अब इसकी एडजॉइंट की चर्चा करें इन दोनों का स्थान परिवर्तन और इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन जैसे ही हम लोग स्थान परिवर्तन करेंगे 0 3 होगा -1 -4 होगा यही होगा ना अब आपका बी इनवर्स भी आ गया ए इनवर्स भी आ गया ठीक है आप चाहें तो इन सबों में माइनस कॉमन लेकर के इससे कैंसिल भी कर सकते हैं तो कर दीजिए क्या हो जाएगा बाई में तो 4 होगा ही माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे 0 1 4 और यहाँ क्या आएगा -3 यही आने वाला है कितना ये इक्वल टू ये आपका आ जाएगा ए इनवर्स तो यहाँ से आपका बी इनवर्स निकल चुका है और यहाँ से आपका ए इनवर्स अब हम लोग RHS क्या दिया हुआ था RHS आपका पूछ रहा था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके गुणा करेंगे और फिर देखेंगे हम लोग का RHS के बराबर आता है या नहीं आता है ठीक है तो यहाँ तक आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं हम लोग RHS में वही चीज देख रहे हैं RHS में देख रहे थे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स क्या आ गया 1/80 अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 5 × 0 = 0 0 × 4 = 0 ठीक है 5 × 1 कितना हो जाएगा 5 और 0
1 आएगा 0, फिर ये 4 into 4, 16, minus 2 into 1, minus 2, 4 into minus 4, minus 3, कितना minus 12, तो minus 2 और minus 12, कितना हो जाएगा minus 14, आप back करके देखें, तो आपका LHS ये भी था। अब भाई मेरे ये मत कहना कि हमको गुनाह करने नहीं आता, गुनाह करने के लिए हम पहले भी सिखा चुके हैं, ठीक है? ये मत बोलना कि सर जी सर गुनाह तो हम भूल गए, भूलने का तो बहुत कुछ भूल सकता है, अपना नाम भी कभी कभी भूल जाता है, ठीक है? इधर तो ध्यान रहेगा तो दिक्कत तो होगा, ऐसे हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, गुनाह करना है इसको ऐसे पहले वाले को पहले से बाद वाले को बाद से, गुनाह करो जोड़ दो, 5 + 0 = 0, 0 + 4 = 0, 0 + 0 कितना 2 0, 2 0 मतलब 20 होगा, मेरे कहता 0 + 0 = 0 होता है, 20 नहीं होता, ठीक है? फिर वैसे ही इसको भी करते हैं, 5 × 1 कितना होगा 5 और 0 - 3 कितना होगा 0, तो 5 × 1 5 जब होगा तो 5 ही लिखेगा ना, क्योंकि 5 × 1 आएगा 5 और 0 × 3 कितना हो जाएगा 0, तो क्या मिलेगा 50 या 5 मिलेगा, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी का तीसरा था 8 का क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है आपका a इज इक्वल टू 2 - 3 और है 4 6, प्रूफ करना है आपको एडजॉइंट ऑफ a का डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a का डैश, याद रखिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रेशन देखते हैं, तो a का ट्रांसपोज निकालने के लिए कह रहा है, अब a का अगर हम परिवर्त निकालेंगे फिर एडजॉइंट निकालना है, जबकि यहां क्या कर रहा है एडजॉइंट a का ट्रांसपोज, पहले एडजॉइंट निकालेंगे फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे, करिए परिवर्त निकालने के लिए हम सिखा ही चुके हैं, देखना है यहां पे सबसे पहले a लिखेंगे 2 - 3 = 4 6, ठीक है? इसका परिवर्त हम लोग डैश भी देते हैं और ट्रांसपोज भी देते हैं, क्या करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, यही करते हैं ना, ए डैश आप निकाल लिए, इसका क्या करना है ए डैश आपने निकाल लिया ना, अब इसका आपको ट्रांसपोज निकाल, ये एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट सब खंडज एडजॉइंट ऑफ ए डैश, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बताया ना लगातार पिछले क्लास में बताया हुआ है, क्या करना है इन दोनों का स्थान परिवर्तन, इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन, बदल दीजिए 6 2 चिन्ह परिवर्तन -4 3, ये हुआ अपने LHS को कंप्लीट कर दिया। RHS की ओर चलिए, RHS में क्या करता है, पहले देखिए क्वेश्चन को पहले देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को जब समझ जाएंगे तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या है RHS में पहले राइट हैंड केंद्र में क्या है एडजॉइंट, तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए आया तब इसका डैश आया, ऐसा नहीं पहले डैश आया तब एडजॉइंट आया, ऐसा नहीं पहले एडजॉइंट आया फिर उसका परिवर्तन, तो हम लोग RHS की ओर चले, RHS में क्या है आपका ए दिया हुआ है कितना 2 - 3 = 4 6, एडजॉइंट निकालते हैं इसका, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा इन दोनों का स्थान परिवर्तन, इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन हो गया, अब इसका हम लोग एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, पावर डी लिखे हैं डैश लिखे दोनों का मतलब एक ही होता है ट्रांसपोज परिवर्तन, इन दोनों का स्थान परिवर्तन क्या होगा और इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन, देखिए तो ये और ये सेम है क्या, नहीं है, पहले तो एडजॉइंट आपने निकाला था, एडजॉइंट 2 6 था 6 2 कर दिया, एक मिनट एडजॉइंट आपने किया ना, तो पहले वाले को पहला 6 2 6 था, इसका आपने एडजॉइंट निकाला 6 2, इन दोनों का स्थान परिवर्तन, ठीक है इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, अच्छा यहाँ पे हम लोग केवल क्या काम करेंगे LHS ये था ना आपका LHS आपका ये था सही तो है, तो फिर आप यहाँ पे एडजॉइंट निकाल सकते हैं, एडजॉइंट फर्स्ट रो को क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को क्या करेंगे सेकंड कॉलम, देखिए ये दोनों सेम है ना, एडजॉइंट ऑफ ए डैश LHS आपका यही है, एडजॉइंट ऑफ ए डैश हम यहाँ पे देख रहे थे एक अलग अगर लग रहा था, एडजॉइंट ऑफ ए डैश ये आपका क्या गया 6 - 4 3, अब
आपका एनएचएस। आरएचएस क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए का एस, एडजॉइंट ऑफ ए का एस या ट्रांसपोज 6 माइनस 4 3 2 तो सेम है, तो हम कह सकते हैं अतः एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डैश। तो इसमें जो वाले क्या लिखेंगे हैंस, ठीक है, ये तो प्रूफ करना था आपका। लिखिए इसको या फिर पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन में आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का 4 है। आप लोग पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जहां भी cos theta sin theta आ जाए जगह में आप लोग को दिक्कत होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, जब डिजिट रहता है, अंक रहता है, 2 3 4 5 तो करने में आप लोग को बहुत आसानी होती है, लेकिन जैसा कि देखिए cos theta cos alpha दिमाग में घंटी बजने लगता है, सर इसको कैसे करेंगे। और अगर उसी क्वेश्चन को टीचर छोड़ दे, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को टीचर छोड़ दे तो लगता है लड़का को सर जी हल्का बता दीजिए, भारी वाला छोड़ दीजिए। सर जी कोई हल्का कोई भारी नहीं है सर के लिए, ये आपके मन में बैठा हुआ है, ये हल्का है ये भारी है। आप इसके कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं तो सबसे पहले आपको हम अभी बताए थे कि देखिए ब्रैकेट के अंदर में क्या है, ए का ट्रांसपोज, तो आप पहले ए का ट्रांसपोज निकालें, फिर उसका क्या है ए का ही उसका इनवर्स, क्या करेंगे cos theta sin theta माइनस sin theta cos theta, आप ट्रांसपोज निकाल दें, कितना आसानी से निकल गए। अब इसका हम लोग इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है इसका हम लोग पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, फिर इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए का डैश क्या हो जाएगा, cos theta माइनस sin theta cos theta, सॉल्व करेंगे cos square theta प्लस sin square theta इज इक्वल टू 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स ज्ञात होगा, हेंस इस इनवर्स भी ऑप्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ए इनवर्स ए डैश का इनवर्स देखा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डैश बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का डैश। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, क्या बताया गया है, कॉन्सेप्ट हम क्या बताते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, आप करने से केवल भारत है, इन दोनों का स्थान परिवर्तन दोनों सेम ही है, क्या स्थान परिवर्तन कराएंगे कुछ नहीं, तो इन दोनों का ऐसे ही लिख दें और इन दोनों का चिन्ह परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, एडजॉइंट अपने निकाल लिया। अब इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, 1 आप लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब आपका ये क्या हो गया एलएचएस निकाल लेता है, कितना आसानी से निकाल। सबसे पहले क्या किया इसका परिवर्त निकाल लिया, परिवर्त के बाद क्या किया डिटरमिनेंट निकाल लिया, जिसका परिवर्त निकाले थे उसी का डिटरमिनेंट निकाले, डिटरमिनेंट निकाले कितना आया 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसका इनवर्स निकलेगा। अगर यहाँ पे बी होता, बी का इनवर्स निकालना होता तो हम लोग क्या करते, एडजॉइंट को बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी करते, बी की जगह पर ए डैश, तो एडजॉइंट ऑफ ए डैश बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश क्या आएगा। अब हम लोग आरएचएस की ओर आते हैं, आरएचएस में क्या है, ब्रैकेट के अंदर में देखिए ए इनवर्स, तो सबसे पहले हम लोग ए इनवर्स निकालने का प्रयास करेंगे, क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही होता है। अब एडजॉइंट ऑफ ए दो रो दो कॉलम का है, सबसे बड़ी बात है कि दो रो दो कॉलम का है, कितना आसानी से निकाल सकते हैं, क्या तरीका बताया है, इन दोनों का स्थान परिवर्तन, इन दोनों का साइन चेंज, क्या होगा cos थीटा इन दोनों का जब साइन चेंज करेंगे माइनस साइन थीटा, और यहां क्या हो जाएगा साइन थीटा,
डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट तो पहले ही जान चुके हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन। ये आपका आ गया ए इनवर्स, आ गया ना, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट निकाल, डायरेक्ट तो निकालना है। अब बोले एक सर एडजॉइंट आपने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, तो क्या आपको बताया गया है कि जब दो 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 कॉलम का हो, इन दोनों का प्लेस चेंज कीजिए, इन दोनों का साइन स्थान परिवर्तन, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आएगा, डायरेक्ट स्थान परिवर्तन करोगे, इसको यहाँ इसका साइन चेंज कर देना, ये आपके सामने आ गया। अब ए इनवर्स का आपका आ चुका है, निकालना क्या है, ए इनवर्स का डैश ट्रांसपोज कीजिए, इसका ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम डालिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए तो ये और ये दोनों सेम है, अगर सेम है तो आप कह सकते हैं इसको सिंस, मतलब चूंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, सो एड क्या है आपका ए, ए का ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स का ट्रांसपोज, बदलना था। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इसको, कोई फंक्शन है और यहाँ पे एक्स है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स एफ कोई फलन है जो कि एक्स के पदों में है, क्यों ऐसा कब दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में आपका मिलेगा। यहाँ पे क्या है cos, cos क्या है trigonometrical function, या फिर जब function in terms of x, cos is a function in terms of x, cos क्या हो गया त्रिकोणमितीय फलन जो कि x के पदों में, यहाँ f है function x के पदों में है, तो जब यहाँ पे आपका cos x है तो यहाँ क्या है fx। अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा, अगर हम यहाँ पे अल्फा कर दें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा अल्फा, या फिर जब function in terms of अल्फा cos अल्फा, यहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं, क्यों यहाँ पे हम बताना चाहते हैं इस बात को थोड़ा सा समझें, हो सकता है कि हम अगला क्वेश्चन को छोड़ दें, आपको लगेगा सर वो क्वेश्चन कैसे छोड़ दी, देखो है तो कुछ नहीं पर आपको लगेगा कि पता नहीं सर क्यों छोड़ दिए उसको, है कुछ नहीं, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, अगर थोड़ा और करें तो दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे कॉस अल्फा लिखा है, यहाँ हम ए लिखा पर एफ अल्फा लिखा तो क्या होने वाला है, कुछ नहीं, यहाँ एफ अल्फा ना लिख करके हम ए लिख दिए तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो पहले समझे इसको, क्वेश्चन दिया हुआ है ए, यह क्या है एडजॉइंट होते हैं, याद कीजिए जब एडजॉइंट का हम प्रॉपर्टी लिखा रहे थे तो वहां पे हम बताए थे क्या बताए थे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना चाहेंगे, ठीक है, ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली हम लोग इसका डिटरमिनेंट ही कर लेते हैं, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा cos अल्फा जीरो, जीरो जीरो वन, जब भी किसी एक बजाय कॉलम में डबल जीरो आ जाए तो फिर आपके विचार ही के क्या कर लेना, आपको आपके मन में ऐसे लड्डू फूटने लगता है, एक लड्डू दो लड्डू की तरह से फोड़ दो, तो यहाँ भी इधर से इच्छा कर इधर से फोड़ दीजिए, आप या तो थर्ड कॉलम के अलॉन्ग बनाइए या तो थर्ड रो के अलॉन्ग, जिधर से भी करना चाहेंगे वैल्यू वही आने वाला है, हम थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करवाते हैं, क्या लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग थर्ड कॉलम, ठीक है, तृतीय स्तंभ के अंग विस्तार करने क्या होगा, ये कंप्लीट ढकेगा और ये ढक जाएगा, क्या बचेगा cos माइनस साइन, साइन cos ये बचेगा, आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या है cos स्क्वायर अल्फा माइनस, घटा कर लिखते हैं क्या लिखोगे प्लस, चलिए हम कर लेते हैं cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, आ क्या जाएगा cos स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन अल्फा जो कि एक के बराबर है और जीरो के बराबर नहीं है। आर एच एस की हम लोग बात करें तो आर एच एस में क्या कह रहा है, इंटू आई, ये क्या होता है, आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तब समग्र आव्यूह या इकाई आव्यूह कह सकते हैं। तो वन इंटू आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई ही ना आएगा, ठीक है, ये आपका आर एच एस हो गया। एल एच एस की तरफ बढ़ जाएगा तो एल एच एस में जो मेरा मेन फोकस होगा वो ए पे नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ए तो दिया हुआ है, तो मेन मेरा फोकस होगा एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के लिए आपको तीन कॉलम का जब भी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग उसका माइनर निकालते हैं फिर कोफैक्टर निकालते हैं। तो माइनर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे M1, 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 M2, M2, M3, 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 M3,
वन अच्छा चलिए देखते हैं एम वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढकेंगे तो क्या मिलेगा वन इंटू कॉस अल्फा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को वन इंटू कॉस अल्फा क्या होगा कॉस अल्फा और वन टू की बात करें फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ध्यान लिखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वन इंटू साइन अल्फा फाइनल पर वन थ्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दोनों जीरो बचने वाला है जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो को ढकेंगे फर्स्ट कॉलम को क्या मिलने वाला माइनस फाइनल पर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे वन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वन इंटू कॉस अल्फा सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम को ढकेंगे डबल जीरो रहेगा जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका वैल्यू जीरो ही आने वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो को ढकेंगे फर्स्ट कॉलम को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो जीरो थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो को ढक देंगे और सेकेंड कॉलम को ढकेंगे देखिए ध्यान से थर्ड रो सेकेंड कॉलम जीरो जीरो क्या मिलने वाला है जीरो थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम क्रॉस स्क्वायर अल्फा कोसाइन स्क्वायर अल्फा वन ये आपका आ गया ठीक है अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप बैक करके देख सकते हैं ऐसे क्योंकि बताया ही नहीं गया ये दिया हुआ है डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप जानते ही हैं और एडजॉइंट निकालने के बाद जहां तक